हमारी 8-9 महीने की सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है। मैंने सोचा था कि मेरा चैनल जब मोनेटाइज होगा तो मैं पूरे अपने गांव को बताऊंगा। मेरे गांव में कोई लोग भी नहीं जानते कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। ये मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे आप सभी लोग, आई हो बढ़िया हो के स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। आज की वीडियो में बहुत ही परेशान हूँ क्योंकि इस वजह से हमारे चैनल पर जो कि व्यू आ गए आ जाते थे 100, 200, 300 तक आराम से व्यू आ जाते थे, पता नहीं ना ही सब्सक्राइबर ने ना ही व्यू बहुत ही डाउन हो गया। पता नहीं मेरे चैनल पे क्या हो गया या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए, मेरे को पता भी नहीं। मैंने देखा था उस पर लिख नहीं था, एक तो वीडियो पे मेरी कॉपीराइट आई क्लेम आया है, सिर्फ मैं सॉन्ग यूज करता हूँ। इस वजह से पता नहीं यार क्या मेरा चैनल लग रहा ख़त्म होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहने वाला हूँ। आप लोग परसों की वीडियो जाके जरूर देखना, पता नहीं उसी के वजह से कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। एक दो वीडियो मैंने भी डिलीट करती हैं। गाइस कितने बड़े बड़े यूट्यूबर सॉन्ग लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, उनके में कुछ भी नहीं आता, वो रोज वीडियो अपलोड करते हैं। मैं थोड़े ही दिनों से सॉन्ग वॉन्ग यूज कर रहा हूँ, इस वजह से बिल्कुल मेरे चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा था। इस वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ, क्या कहूँ मैं दोस्तों। लग रहा है मेरा चैनल ख़त्म होने वाला है, इस वजह से मैं बहुत ही डिप्रेस हूँ, डिमोनेटाइज हो गया हूँ। आप लोग कमेंट में बताइए सिर्फ सॉन्ग की वजह से कॉपीराइट क्लेम आता है या फिर और भी कोई गलतियों की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये मेरी 8-9 महीने की मेहनत है। इस वजह से चैनल पे अपने 900 सब्सक्राइबर 950 कंप्लीट किए थे, वो भी लग रहा सब्सक्राइबर भी चले जाएंगे और मेरा जो वॉच टाइम थोड़ा बहुत हुआ था वो भी चला जाएगा। इस वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ। आप लोग कुछ भी सपोर्ट करके कमेंट में बताइए कैसे ठीक होता है, कैसे क्या किया जाता है, प्लीज़ आप लोग बताना ज़रूर मेरे भाइयों बहनों। पता नहीं यार मैंने क्या क्या सपने देखे थे, वो भी सारे अधूरे रह जाएंगे। मैंने सोचा था ये लूँगा, पहले मैंने सोचा था कि मेरे पास अच्छा मोबाइल है, 32 GB स्टोरेज का मोबाइल है जो कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो एक डिलीट कर देता हूँ, तभी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड हो पाती है क्योंकि हमारे मोबाइल में स्टोरेज बहुत कम है। इस वजह से मैंने सोचा था कि पहले जब पेमेंट आएगी पहले सबसे पहले मम्मी को कुछ लाऊंगा अच्छा सा और सेलिब्रेशन भी करूंगा फर्स्ट पेमेंट के, जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर लोग करते हैं। मैंने वैसा ही बिल्कुल सोचा था, पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत ही अंदर से पता नहीं मैं क्या ही कहूँ। आप लोग जिस जो भी चैनल पर वीडियो बनाते होंगे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आती होगी, आप लोग जानते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और एक इससे पहले भी मेरा चैनल पे 300 सब्सक्राइबर कर पाए थे, वो भी मेरा डिलीट हो गया। 20 सब्सक्राइबर पे तो 1000 कंप्लीट होने वाली थी 1 बनके की यूट्यूब फैमिली, फिर भी पता नहीं कौन सी गलती की वजह से हमारा चैनल या फिर डिलीट होने वाला है, पता नहीं। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि आप लोग कमेंट करके स्पैम कर करके हमारे चैनल को बचा सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे अगर कुछ भी गलत हो तो आप लोग कुछ भी नहीं करना, अगर मेरे चैनल पे कुछ भी सही है, अगर मैं वीडियो सही बनाता हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में इतना स्पैम करिए कि यूट्यूब वालों को मेरी कॉपीराइट स्ट्राइक वापस कर दे, वरना मेरा 1 महीने के अंदर चैनल जा सकता है। इस वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ, हमारी 8-9 महीने की सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है। प्लीज़ आप लोग सिर्फ बचा सकते हैं मेरे को आप लोग। मैंने सोचा था कि मेरा चैनल जब मोनेटाइज होगा तो मैं पूरे अपने गांव को बताऊंगा। मेरे गांव में कोई लोग भी नहीं जानते कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और एक दो लोग मेरे दोस्त लोग भी जानते हैं, वो लोग भी मेरी हंसी उड़ाएंगे और सिर्फ कुछ नहीं कर सकते वो लोग। मैंने सोचा था सभी लोगों को बताऊंगा। मेरी मम्मी जो कित कर रही थी, मम्मी सिर्फ मेरी जानती थी, घर में और कोई नहीं जानता था मोनेटाइज होने वाला चैनल थोड़े दिनों में, लेकिन वो भी अब डिलीट मोनेटाइज जानू हो गया है, पूरा चैनल डिलीट होने वाला है, जबकि सारी मेहनत पे मेरी पानी फिर गया। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके इतना स्पैम करिए कि यूट्यूब वालों ने मेरा चैनल डिलीट ना कर पाए। मैंने कहा था नहीं मैं आप लोगों से लाइक सब्सक्राइब के लिए कहूँगा, नहीं कि कोई के लिए कहूँगा, सिर्फ आप लोग कमेंट में बताना मैंने सही किया या गलत।